A very warm welcome to all the students of class 9, Mrs. Shivani from St. Javier's High School, Sidhna Parvaneli. Today we are going to discuss chapter Why Do We Fall Ill? And this is the first chapter of the term 2 and the last chapter of our syllabus. So in this chapter, what you are going to learn, first of all, introduction, then health and its failure, diseases and its causes, types of diseases, infectious diseases, organ-specific and tissue-specific manifestations, principles of treatment, principles of prevention, and some microbial diseases. So first of all, we are going to be introduced that what is health, then further topics we are going to discuss. So as you can see, human body is a complex machine. It is made up of numerous living cells organized into different organs, which further constitute several organ system. तो हम लोगों ने चैप्टर वन में ही पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है, सेल से टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. तो ह्यूमन बींग्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है. हमारी बॉडी क्या है, एक मशीन है जो कि कई लिविंग सेल्स से मिलकर बनी हुई है, जो अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं. और ये क्या बने हैं, ये बहुत से सेल्स से मिलकर बने हुए हैं. ठीक है, अ लिविंग सेल इन इटसेल्फ इज अ डायनेमिक यूनिट विच इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट. दिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट सप्लाइज द बॉडी विद नेसेसरी मटेरियल सच एज न्यूट्रिएंट्स, वाटर, गैसेस एक्सेट्रा. तो देखिए, लिविंग सेल क्या है, डायनेमिक है. डायनेमिक यानी कि वो चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है. अगर स्टैटिक होता तो बिल्कुल एक जैसा रहता. जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली अलग अलग चीज़ों से एक्सपोज होती है, जिस भी सराउंडिंग में हम रहते हैं. और इस एक्सटर्नल एनवायरमेंट के एक्सपोजर से ही हमारी बॉडी को बहुत से नेसेसरी जरूरी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर हो, गैसेज हो, ये सब हम एटमॉस्फेयर से ही लेते हैं. Different parts or organs in our body also perform various functions. All of these functions are interrelated. For example, if kidney are not filtering urine, poisonous substances will accumulate. देखिए, body के अंदर organs अलग अलग हैं जिनके function अलग है. जैसे heart का function है blood को, blood के अंदर oxygen भरना. Lungs का function है air से oxygen rich air अपने अंदर भरना. इसके अलावा ब्लड का काम है सब जगह न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स पहुंचाना. किडनी का काम है फिल्टर करना. अब लेकिन फंक्शन जो है वो इंटर रिलेटेड है. कैसे, अगर किडनी जो है वो यूरिन को फिल्टर नहीं करेगी, यानी कि किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है, और ब्लड को फिल्टर करके जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वही यूरिन बनती हैं बाद में जाके. तो अगर और जिसमें यूरिया या सॉल्ट्स जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो अगर किडनी जो है ये फिल्ट्रेशन का काम ना करे तो ये यूरिया या यूरिक एसिड जो है वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, और एक्यूमुलेट होंगे तो वो बॉडी की फंक्शनिंग को हैम्पर करेंगे. ठीक है, अंडर सच कंडीशंस द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, हेंस एनी फेल्योर एट एनी लेवल कैन हैम्पर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. दस द नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन वेरियस एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स. तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा, जो असर होगा वो सीधे हमारे ब्रेन पे पड़ने लगे, यानी ब्रेन की जो सोचने की जो कैपेसिटी है, क्योंकि ब्रेन इज द डायरेक्टर, ब्रेन ही सोच के बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए कहता है. तो अगर ब्रेन के ऊपर इसका असर पड़ेगा तो ब्रेन की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो इससे अफेक्ट होगी, और जब थिंकिंग कैपेसिटी अफेक्ट होगी तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो कभी भी सडनली स्टॉप हो सकती है, वो नॉर्मल फंक्शनिंग से हट सकती है. तो एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर दोनों का ही असर पड़ता है हमारे बॉडी के नॉर्मल होने पर. एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल एंड टिश्यूज विल लीड टू मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड हेंस विल अफेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. अब ऐसा नहीं है कि सेल या टिश्यू अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो बॉडी के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. धीरे धीरे ये मेल फंक्शनिंग, ये जो खराबी है वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगी, और जब बॉडी को अफेक्ट करने लगेगी तो हमारी ओवरऑल हेल्थ भी जो है वो अफेक्ट होगी. एज पर द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. पहले हम लोग बींग हेल्दी को सोचते थे, अगर इंसान फिजिकली फिट है इसका मतलब वो बिल्कुल सही है, लेकिन WHO ने हेल्थ की जो क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज कर दिया है. यानी कि एक व्यक्ति ना कि सिर्फ फिजिकली फिट हो बल्कि मेंटली फिट हो, यानी कि आपका दिमाग बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को
ले पाओगे अपने अंदर, तभी आप कोई चीज़ समझ पाओगे, तभी आप प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाओगे, पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, या किसी को काम भी करने में आपको मन लगा। अगर आपका मन अशांत है तो किसी भी काम को करने में आपकी लगन नहीं दिखेगी। और इसके अलावा सोशल वेलबींग, यानी सामाजिक तौर पर आप लोगों से कितना जुड़े हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, एक जगह कहीं कोने में गुमसुम पड़े रहते हैं, तो ये भी हेल्दी होने की निशानी नहीं है। हेल्दी और लाइवली हुए इंसान होता है जो हर समय, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फिर भी सोशल इंटरेक्शन भी जरूरी है, ठीक है। डज अ हेल्दी पर्सन फील्स फिजिकली फिट, पजेस अ पॉजिटिव आउटलुक एंड टूवर्ड्स एवरी डे लाइफ, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ एंड लीड्स अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। तो हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी पर्सन हम किसको कहेंगे, जो फिजिकली रूप से फिट हो, जिसके पास किसी भी अपने जीवन के लिए ही एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। मतलब जो डेली, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके डेली जीवन में कोई परेशानी ही नहीं होगी, लेकिन उस परेशानी को हम कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हम अपने नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हैं, जैसे अब घर में है, गैस ख़त्म हो गया तो स्ट्रेस हो गया, बिल ज़्यादा आ रहा है तो स्ट्रेस हो गया, पढ़ नहीं पा रहे, नंबर कम आ रहा तो स्ट्रेस हो गया, तो इन स्ट्रेसेस को कैसे हम नॉर्मली हैंडल कर सकें। इसके अलावा हम सोशली कितना ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं और इकोनॉमिकली कितने प्रोडक्टिव, यानी एक अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन भी हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन सी दैट हेल्थ हैज थ्री डायमेंशन, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, विच आर इंटर रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर ग्रेटली। तो यहाँ से इस डेफिनेशन से जो WHO ने दी, हमें समझ में आया कि हेल्थ की तीन डायमेंशन है, फिजिकल डायमेंशन है, मेंटल डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, और जो कि इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि फिजिकल, मेंटल या सोशल डायमेंशन एक दूसरे से अलग है, तीनों इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करते हैं। फिजिकल हेल्थ रिलेट्स टू द एफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स सिस्टम्स एंड इंक्लूड फिजिकल कैपेसिटी टू परफॉर्म टास्क एंड फिजिकल फिटनेस। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बिल्कुल एफिशिएंट है, यानी कोई भी कमी नहीं है आपकी बॉडी के फंक्शनिंग में, आपके हर ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं, जिससे कि आपकी फिजिकल फिटनेस इंक्रीज हो रही है और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के आप केपेबल हैं। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रिकोगनाइज देयर ओन एबिलिटीज, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेज ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, इज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी। मेंटल हेल्थ क्या है, एक स्टेट ऑफ वेलबींग, यानी अपने दिमागी रूप से कितने शांत हैं, कितना ज़्यादा खुश हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले आप अपनी क्षमता को पहचानेंगे, अपनी एबिलिटी को पहचानेंगे, दूसरा आपके छोटे मोटे जो स्ट्रेस हैं आपके जीवन में, वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपका जो काम होगा वो प्रोडक्टिव होगा, यानी जैसे आप पढ़ने बैठते हैं तो अब पढ़ने बैठते हैं, कोई बच्चा जो है वो 10 घंटे में भी किसी चीज़ को नहीं समझता है, कोई बच्चा जो है वो आधे घंटे की भी पढ़ाई में सब कुछ समझ लेता है। तो मेंटल यानी दिमाग जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, उतना ज़्यादा आपका काम प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल होगा। यानी कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए बैठे हैं, तो आप जितना ज़्यादा टाइम लेंगे, अगर आप ऐसे बैठे हो आपका दिमाग अशांत है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तब भी आपको नहीं समझ में आएगा, और अगर आप मेंटली एकदम फिट हैं तो आप कम समय में ही जो काम करेंगे उसका प्रोडक्टिविटी जो होगी वो हायर होगी। इसके अलावा आप कम्युनिटी को भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, यानी आप समाज में भी कुछ अच्छा, अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे और सोचेंगे। सोशल हेल्थ इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी इन बोथ एंड इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिव मैनर। जो सोशल हेल्थ में क्या है कि आप इंटरेक्ट करें, जैसे अपने पड़ोसियों से हो गया, अपने और आसपास के जो लोग, अपने घर के अंदर ही बहुत लोग सबसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, एक कमरे में जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो आप कम्युनिटी यानी कि समाज के भी काम में हिस्सा ले सकेंगे, और ये आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, किसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। नाउ हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, उसको फेल करती हैं। हेल्थ इम्प्लाइज द स्टेट ऑफ इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू लीड अ हेल्दी एंड फ्रूटफुल लाइफ। हेल्थ प्लेज अ सेंट्रल रोल इन एवरीवन्स लाइफ, इट मेक्स अ पर्सन हैप्पी, मोर एफिशिएंट, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड सोशली एक्टिव। हेल्थ का एक डेफिनेशन सिंपल सा, उसका क्या मतलब होता है, बीइंग वेल, आप बिल्कुल अच्छे हैं मेंटली भी, फिजिकली भी और सोशली भी, ठीक है। और एक
अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो एक हेल्दी और फ्रूटफुल लाइफ जी पाए। यानी अब लाइफ में आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है। अगर एक पर्सन बहुत खुश है तो उतना ही एफिशिएंसी से काम करेगा, उतना ही दिल लगा के काम करेगा। जितना दिल लगा के काम करेगा उस काम का रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। जितना अच्छा रिजल्ट आएगा वो उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव और क्या होगा, सोशली एक्टिव होगा। हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट, द सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द पर्सन्स इंडिविजुअल बिहेवियर डिटरमाइंस हिज हेल्थ। अब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हेल्थ है वो उसके सराउंडिंग और एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप गंदे से सराउंडिंग में रहते हो तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट कभी ना कभी आपके हेल्थ पर पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसे, यानी आप कैसे किस समाज में रह रहे हो, आपका इकोनॉमिक स्थिति आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है, और फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ये एक पर्सन के इंडिविजुअल बिहेवियर और उसके हेल्थ को डिटरमाइन करता है। मैनी ऑफ द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स आवर गुड और बैड हेल्थ आर आवर कंट्रोल, आउट ऑफ आवर कंट्रोल सम ऑफ द फैक्टर्स विच डिटरमाइन आवर हेल्थ आर। आप देखो कुछ फैक्टर्स जो हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी या बुरी होगी, ये कुछ फैक्टर्स जो है वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो कुछ फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, हम उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला है इनकम एंड सोशल स्टेटस। हायर इनकम एंड सोशल स्टेटस आर लिंक टू बेटर हेल्थ। अ लो इनकम इंडिविजुअल मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन अ न्यूट्रिशियस बैलेंस फूड फॉर हिम एंड फॉर द फैमिली, हेंस ग्रेटर द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल द ग्रेटर द डिफरेंसेज इन हेल्थ। जितनी ज़्यादा अच्छी इनकम होगी आपकी, जितना अच्छा आपका हाई स्टेटस होगा सोशली, उतना ही आपकी हेल्थ जो है वो बढ़िया होगी। अब ये गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि जो हायर इनकम वाले लोग होते हैं वो अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट्स को, चेकअप को अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी इनकम ही बहुत अच्छी नहीं है, तो वो अपने लिए सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, आप जितना अच्छा फूड खाएंगे आपकी हेल्थ उतनी अच्छी होगी। तो एक गरीब व्यक्ति जिसकी आय इनकम इतनी कम है, तो वो अपने लिए कहाँ से इतना न्यूट्रिशन फूड जो है वो इकट्ठा कर पाएगा। जब न्यूट्रिशन फूड अपने और अपने फैमिली के लिए इकट्ठा कर नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है वो बीमार पड़ेगा। अब बीमार पड़ने के बाद भी वो अच्छी सुविधाएं तो नहीं अफोर्ड कर सकता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं कर सकता है, वो तो गवर्नमेंट की सुविधाओं के ऊपर निर्भर होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये गैप बढ़ता जाएगा उतना ही हेल्थ के ऊपर इसका असर पड़ेगा। यानी जितना अमीर इंसान वो उतना ही हेल्दी लाइफ जिएगा, जितना गरीब इंसान वो उतना ही अनहेल्दी लाइफ जिएगा। नेक्स्ट इज एजुकेशन। लो एजुकेशन लेवल्स आर लिंक्ड विद पुअर हेल्थ, मोर स्ट्रेस एंड लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस। एन एजुकेटेड पर्सन विल हैव अ बेटर लाइफस्टाइल, पर्सनल हाइजीन एंड डाइट विच कीप हिम हेल्दी इन ऑल एस्पेक्ट्स। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को जिनके बारे में आप जानते नहीं, जैसे आप पढ़ते हो कि जैसे घी तेल जो है वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, जंक फूड अच्छा नहीं है, गंदी हवा में सांस लेना अच्छा नहीं, गंदा पानी पीना अच्छा नहीं, तो आप अवेयर हो तभी आप ये सब नहीं करोगे। जो इस चीज़ से अवेयर नहीं है तो वो क्या होगा, वो उतना ही ज़्यादा उसको स्ट्रेस होगा इन सब चीज़ों का, उतना ही कॉन्फिडेंस भी होगा लो होगा। अब वहीं पे अच्छा इनकम वाला पर्सन है, एक एजुकेटेड पर्सन है, तो उसकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, वो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेगा, जैसे रोज नहाना धोना, साफ कपड़े पहनना, नेल्स कट करना, हैंड वॉश करना, ये सब पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने की चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो अच्छी डाइट लेगा जिससे कि वो हेल्दी रहे हर एस्पेक्ट में, फिजिकली मेंटली और सोशली। फिजिकल एनवायरनमेंट, सेफ वाटर एंड क्लीन एयर, हेल्दी वर्क प्लेसेस, सेफ हाउसिंग, क्लीन रोड्स एंड सराउंडिंग्स ऑल कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ। साफ पानी, स्वच्छ पानी हम लोग कहते हैं, साफ हवा, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का वर्क प्लेस बिल्कुल हेल्दी हो, सनलाइट आती हो, एयर क्वालिटी अच्छी हो, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट ना हो, जमीन अच्छी हो, वहाँ आसपास कोई गंदा वाटर सोर्स ना हो, गंदगी ना हो, तो ये सब क्या है, ये सब जितना ज़्यादा आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे, रोड्स बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, गंदी रोड्स नहीं होनी चाहिए, रोड के आसपास नाली नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, अच्छी हेल्थ को कंट्रीब्यूट करेंगी। एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस आल्सो अफेक्ट्स अ पर्सन हेल्थ। पीपल इन एम्प्लॉयमेंट आर हाई हेल्दियर, पर्टिकुलरली दोज हु हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर वर्किंग कंडीशंस। अब देखो
एम्प्लॉयमेंट, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ की भी कंडीशन कैसी है। जैसे कि अब कुछ लेबर है, मिस्त्री है, अब ये लोग जैसे घर बना रहे हैं तो घर बनाने में इनके अंदर सीमेंट जा रहा है, बहुत सी चीज़ें, अब रास्ते में मकान बन रहा है तो धूल मिट्टी उड़ रही है, तो ये सब इनहेल करते हैं, तो कोई ना कोई इनसे रिलेटेड इनको बीमारी होगी। जितना ज़्यादा आप हेल्दी एंड सेफ कंडीशन में वर्क करोगे आप उतनी ज़्यादा हेल्दियर रहोगे। सोशल सपोर्ट नेटवर्क, ग्रेटर सपोर्ट फ्रॉम फैमिलीज फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज इज लिंक टू बेटर हेल्थ। जितना ज़्यादा आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपके फ्रेंड्स जितने सपोर्टिव होंगे, आप समाज में जितने अच्छे लिंकअप रखोगे सबसे, तो उतना ही ज़्यादा आप सोशल सपोर्ट, अगर आप कल को बीमार पड़ जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी मदद के लिए आएंगे। अगर आप सोशली इंटरेक्टिव नहीं हो तो पता चला किसी को कोई आपकी मदद ही नहीं करने आएगा। कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड द बिलीव्स ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी ऑल अफेक्ट हेल्थ। यानी हमारे कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे हमारे में होता है ना कि ये समय है ये मत खाओ, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, या इस समय इस दिन नॉनवेज मत खाओ, तो ये कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ बिलीव्स हैं जो भी हमारे हेल्थ में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। वॉट वी डू एंड हाउ वी मैनेज, वॉट वी ईट, आवर फिजिकल एक्टिविटी, वेदर और नॉट वी स्मोक और ड्रिंक और टेक ड्रग्स, एंड हाउ वी कोप विद स्ट्रेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हम क्या खाते हैं, इतने ज़्यादा फिजिकल एक्टिव हैं, यानी दिन भर बेड पर पड़े हुए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई मूवमेंट नहीं करना, तो धीरे धीरे हम क्या हो जाते हैं, किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो इससे भी उनकी बॉडी जो है अफेक्ट होती है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। इसके अलावा ये सब चीज़ें जो है वो हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जेनेटिक्स, हेरिडिटी प्लेज ए पार्ट इन डिटरमाइनिंग लाइफ स्पैन, हेल्दीनेस एंड द लाइवलीहुड ऑफ डेवलपिंग सर्टन इलनेस। जेनेटिक्स मतलब क्या है, जेनेटिक्स मतलब कि जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है, तो कई बार कई बीमारियां जो होती हैं, हेल्दीनेस जो होती है, ये हमें हमारे माता पिता से मिलती है। यानी कि अगर माता पिता को कोई गंभीर बीमारी है तो वो बच्चे के अंदर भी चली जाती है, तो इससे बच्चे को वो हुई नहीं, वो उनको उसके माता पिता से मिल गई। ठीक है, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने खुद नहीं ली, वो हमें मिल गई। ठीक है, पर्सनल बिहेवियर एंड कोपिंग स्किल्स, बैलेंस ईटिंग, कीपिंग एक्टिव एंड हाउ वी डील विद लाइफ स्ट्रेसेस एंड चैलेंजेस ऑल अफेक्ट आवर हेल्थ। ठीक है, हमारा पर्सनली बिहेवियर कैसा है, कितना स्किल्स है हमारे साथ, जैसे कि कितना हम बैलेंस फूड खाते हैं, कितने एक्टिव हम रहते हैं अपने, या फिर हम अपनी लाइफ के अंदर जो तनाव है उसको कैसे झेलते हैं, ये सब भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ये चैलेंज होते हैं हमारे लिए। हेल्थ सर्विसेज, एक्सेस एंड यूज ऑफ सर्विसेज दैट प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीजेज इन्फ्लुएंस हेल्थ। आप बीमार पड़ने के बाद कितने ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हो उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट पे, इससे भी आपका हेल्थ अफेक्ट होता है। यानी कि कोई एक पर्सन है जिसको जैसे डेंगू या मलेरिया हो गया, अब आप नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जाओगे आपकी ट्रीटमेंट उतनी प्रॉपर नहीं होगी, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, अच्छा से अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सवाल इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। जेंडर, मेन एंड वुमेन सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस एट डिफरेंट एजेस। जेंडर भी रोल हमारे प्ले करता है इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ आदमियों को ही अफेक्ट करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो औरतों को ही अफेक्ट करती हैं, या कुछ एजेस के ऊपर डिपेंड करती है कि आदमी को इस एज के बाद ये बीमारी हो सकती है, औरतों को ये बीमारी हो सकती है, तो ये ओवरऑल जो फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय।